अमित भाई ने उठा लिया है। सांप पकड़ने वाले आ चुके हैं फाइनली। सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, मैं हूँ अंकित और आज हम बात करने वाले ओ पहाड़ी अंकित रावत के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में आपको बताया था कि अंकित रावत की शादी नेपाल से हो रही है एंड फाइनली उनकी शादी कंप्लीट हो चुकी है। उनकी शादी में काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर आए थे और सबसे पहले तो अंकित रावत को शादी की बहुत सारी बधाइयां। और प्रीति राणा के बाद यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली शादियों में ओ पहाड़ी की शादी भी शामिल हो गई है। अंकित रावत जी की शादी की कुछ वीडियो हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आरी वारी सौरभ जोशी को लेकर, जहां के रिसेंट वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी कॉलोनी में एक बड़ा सा सांप घुस गया था जिसे कि कोबरा भी कहा जाता है और लगातार उनकी सोसाइटी के आसपास बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं। और कोबरा दिखने के बाद उन्होंने सांप पकड़ने वालों को कॉल किया, जिसके बाद सांप पकड़ने वाले आए और उन्होंने सांप को पकड़ा, जिसके बाद सौरभ जोशी ने गाड़ी पे लेकर उसे जंगल में छोड़ दिया और वो सांप इतनी तेजी से पेड़ में चढ़ा जिसके बाद सौरभ जोशी खुद शॉक हो गए। तो सौरभ जोशी की वीडियो के कुछ क्लिपे हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो भी गाड़ी में डाल दिया सांप को, अब जा रहे जंगल में छोड़ने के लिए। चढ़ गया भाई पेड़ में, चढ़ गया भाई, ये तो खतरनाक ही है, इतना मोटा। ले दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है वारी सुयश असवाल को लेकर। जैसे कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि सुयश असवाल की हमें जल्दी सगाई देखने को मिल जाएगी और लगातार सुयश असवाल अपनी सगाई की शॉपिंग कर रहे हैं। तो फाइनली कल के दिन पे उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो सगाई की शॉपिंग है वो पूरी हो गई है, फाइनली अब वो इंगेजमेंट करने वाले, उनकी सगाई होने वाली है। तो उनकी सगाई की कुछ वीडियो क्लिप है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डिग्गी में कुछ नीचे कुशन रखना पड़ेगा तब होगा, वरना वो टूट जाएगा सारा। अब ये टोकरी टूट जाएगी। हाँ वही, अब इसमें नहीं टूटेगी तुम्हारी। हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वारी नमस्ते पहाड़ को लेकर। जैसे कि रिसेंट वीडियो में उन्होंने अपने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं क्योंकि नवरात्र का लास्ट दिन था और साथ ही साथ नमस्ते पहाड़ और उनकी फैमिली यानी आशुतोष नेगी ने अपनी फैमिली के साथ मंदिर में माता जी के दर्शन के। तो नमस्ते पहाड़ की कुछ वीडियो क्लिप है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मंदिर प्रांगण में पहले मंदिर के अंदर चलते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ पर लोग आते ही जा रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके बाहर आ गए, कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वाली बीरोखाल ब्लॉक को लेकर, जहाँ की एक यूट्यूबर है पहाड़ी जंक्शन। लगातार उन्होंने अपनी रिसर्च वीडियो में बताया कि उनके गांव में लगातार बाघ का अटैक हो रहा है, साथ ही साथ उनके आसपास के जो गांव हैं वहाँ भी हमें बाघ का लगातार अटैक देखने को मिल रहा है, उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया। और उन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया कि उनके गाँव में एक बछड़ा जिसे कि बाघ ने उसकी गौशाले से उठा दिया और मार दिया, उसके बाद उनके फैमिली वाले से बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि हमारे गांव में लगातार बाघ का आतंक हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग रातों को घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उनकी वीडियो की कुछ क्लिपें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सरकार जब नुकसान भर के बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट जो आ रही वाली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के T20 को लेकर, जहां की संधू सैमसन ने 40 बॉलों में शतक लगा के एक नया रिकॉर्ड बनाया एंड रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए और साथ ही साथ इंडिया ने बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में तो बस इतनी न्यूज़। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय देवभूमि उत्तराखंड।